बिग बॉस 16 की शुरुआत हो चुकी है, सारे कंटेस्टेंट सामने आ चुके हैं, लेकिन उन सब में एक नाम जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है। पहला ही दिन, पहला ही एपिसोड प्रीमियर पर ही सलमान के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाली कंटेस्टेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं अर्चना गौतम की, जो पेशे से एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सारे ब्यूटी पेजेंट्स की विनर रह चुकी हैं, इसके अलावा वो एक पॉलिटिशियन भी हैं। अब भाई पहले ही दिन आके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा दिया है, जहाँ सुम्बुल तौकीर के नाम का मजाक उड़ाया तो वहीं अब्दू रोजिक की हाइट का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद भाई पहले ही दिन निमृत कौर के साथ उनकी हो गई लड़ाई। लेकिन दोस्तों अर्चना गौतम का ना ये कंट्रोवर्सीज से जो नाता है वो शुरुआत से ही बना रहा है। तो बताते हैं आपको इस वीडियो में कि अर्चना गौतम आखिर कौन है, किस तरह उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो इस दुनिया में आई, कैसे उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। आपको बता दें कि उनकी कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम स्टाफ के साथ उनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी, जब अर्चना गौतम ने उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया था। हालांकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्टाफ ने उस बात से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी अर्चना गौतम की वीडियो उस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके अलावा जब उन्होंने पॉलिटिकल करियर अपना शुरू किया था मेरठ के हस्तिनापुर से, जब वो कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी, उम्मीदवार बनी थी, तो भाई उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी, क्योंकि लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि ये कैसी नेता है। क्योंकि आपको बता दें कि उनकी जो ग्राफ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहा है। आपको बता दें कि वो मिस बिकनी इंडिया रही हैं, मिस बिकनी यूनिवर्स रही हैं, मिस यूपी भी रही हैं। जी हाँ, 2014 में उन्होंने मिस यूपी का खिताब भी अपने नाम किया था। इसके बाद जब उन्होंने पॉलिटिकल करियर अपना शुरू किया तो लोग इन्हीं बातों पर सवाल करने लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं। उनकी तरह तरह की वीडियोज़ और फोटोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा, जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करने पड़ा। तो भाई अर्चना गौतम ने इस बात का जवाब ऐसे दिया कि भाई हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी ने भी अपना करियर जो है पहले एक्टिंग में बनाया था, उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। तो जस्ट बिकॉज मैं एक दलित लड़की हूँ तो क्या इसी वजह से मुझे रोका जा रहा है? तो वहीं लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि यहाँ वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। हालांकि 2022 के जो यूपी चुनाव हुए थे उसमें वो हार गई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। अब भाई वो आ चुकी हैं बिग बॉस 16 के घर में, जहां पहले ही दिन उन्होंने निमृत कौर अलूवालिया के साथ लड़ाई कर ली है। और वो लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई बिग बॉस का घर ही इन सभी चीज़ों से ही मिला जुला है। क्योंकि अगर बिग बॉस के घर में आपने अपनी पर्सनालिटी को नहीं दिखाया तो फिर लोग आपको वहां से निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वोटिंग नहीं होती है, लोग पसंद नहीं करते हैं। तो भाई इस बारे में अगर हम बताएं अर्चना गौतम के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो मुझे लगता है वो यही सोच के आई हैं, क्योंकि पहले ही दिन निमृत के साथ सिर्फ एक बेडरूम के पीछे लड़ाई, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बना दी उन्होंने, जिसमें उनका साथ शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस मराठी के ऑलरेडी विनर रह चुके हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। वहीं वो अब्दू रोजिक को काफी ज्यादा परेशान और उनका मैं बोलूं तो मजाक बनाती हुई नजर आई। अब्दू रोजिक की हाइट का, अब्दू रोजिक से काफी ज्यादा अलग तरह के मजाक भी करती हुई वो दिखी। हालांकि सुम्बुल का जब उन्होंने मजाक बनाया तो सुम्बुल ने सुना नहीं, क्योंकि अगर वो सुन लेती तो जरूर ही जवाब देती। दोस्तों फिलहाल बिग बॉस 16 जो है वो शुरू हो चुका है, और अब भाई देखना यह होगा कि कंटेस्टेंट की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से बाहर आती है। वहीं बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो फतेजो यानी कि प्रियंका, अंकित, सुम्बुल तौकीर, अब्दू रोजिक, निमृत कौर अलूवालिया, गौतम विग, अर्चना गौतम जैसे जो स्टार्स हैं वो इस बार बिग बॉस के घर में आए हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एंट्री जो हुई है वो हुई है साजिद खान की। साजिद खान जो कुछ लंबे समय से कुछ फिल्मी करियर अपना उनका ठीक नहीं रहा है, तो ऐसे में वो बिग बॉस के घर में आए हैं अपनी छवि को सुधारने, जिसमें शहनाज कौर गिल ने भी उनका साथ दिया है। शहनाज ने एक वीडियो के जरिए उनको एक मैसेज दिया जिसमें साजिद खान का उन्होंने हौसला बढ़ाया, और उसके साथ ही उन्होंने बिग बॉस 16 के घर में एंट्री करी। फिलहाल पहला एपिसोड तो भाई सामने चुका है, अब देखना यह होगा कि बाकी के एपिसोड में अर्चना गौतम जो है वो क्या क्या धमाल करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।